नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। खिचड़ी के शुभ अवसर पर लोगों ने जमकर, किसी ने सहयोग से, किसी ने खुद पर सक्षम होकर रोड के ऊपर जमकर खिचड़ी बनवाई, जिसमें कचहरी स्थित पीपल के पेड़ वाले बाबा के मंदिर पर आप देख सकते हैं किस तरह खिचड़ी वितरण का कार्य चल रहा है और लोग खिचड़ी खाने की जिज्ञासा लेकर वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। इसमें आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई पड़ेंगे। विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी पीपल वाले हनुमान जी के मंदिर कचहरी के पास स्थित आज राजकुमार के द्वारा खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया। सर्वप्रथम बाबा हनुमान जी महाराज को खिचड़ी, दही, बड़े, अचार, पापड़ इत्यादि का भोग लगाकर सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित भूतपूर्व सैनिक के द्वारा खिचड़ी वितरण का शुभारम्भ कन्याओं को खिचड़ी वितरित कर किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबा के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संचालक राम कुमार ने सभी का धन्यवाद किया। मेरा नाम राम कुमार सिंह सतन है। इस पीपल वाले हनुमान जी की देर देर हमारी में होता रहता है। इसमें हर वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, 7 साल से पहले चल रहा है और मकर संक्रांति में खिचड़ी का जब जो भी पर्व आता है उसमें हर पर्व में कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है। इस वर्ष मकर संक्रांति में भी खिचड़ी का और तहरी का वितरण हो रहा है। सामूहिक रूप से सभी लोगों को वितरित की जाती है। भारी से भारी लोग आते हैं। इसमें हम लोग 3 लोग कार्यकर्ता रहते हैं, अजय कुमार गौड़, आकाश पांडे, ये सब लोग देखते हैं। पुरु मिश्रा, ये सब मोहल्ले के सारे लोग रहते हैं। जय वाजपेयी, गवाजी, मतलब सभी लोग सहयोग करते रहते हैं। अमन शर्मा के साथ निशांत पाठक की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।